नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेज प्रताप यादव आरजेडी के अंदर भारी मुश्किलें पैदा करते चले जा रहे हैं। जी हां, जगदानंद बाबू तो नाराज हैं ही, और अब जगदानंद के सवाल पर तेजस्वी यादव को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल इस बार नाराजगी भारी है। कई बार का मामला हो चुका है, कई बार जगदानंद मान गए नाराज होकर, रूठे तो मना लिया गया, लेकिन शायद इस बार जगदानंद की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। और हो भी कैसे, तेजस्वी यादव इनके मसले पर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। खैर, तेज प्रताप ने जो बातें कही उन्हें हिटलर बता दिया, साथ ही साथ कहा कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, यानी खुलेआम ऑफिस में, आरजेडी के ऑफिस में ही खड़े होकर उन्हें चुनौती दे दी। जो जगदानंद सिंह जाने जाते हैं अनुशासन के लिए, उनके ऑफिस में ही अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी गई लालू के लाल के द्वारा, तेज प्रताप यादव के द्वारा। तो तेज प्रताप यादव ने ये बातें कही और अब जगदानंद सिंह मानने के मूड में नहीं है। जगदानंद सिंह लगातार इस प्रकरण के बाद से आरजेडी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, और आज तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त भी जगदानंद सिंह मौजूद नहीं थे। इससे स्पष्ट हो गया कि जगदानंद सिंह इस बार काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, और पार्टी शायद उन पर बात करने से भी बच रही है, क्योंकि मामला बिगड़ सकता है। तेजस्वी यादव से आज ये सवाल पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी। जाति आधारित जनगणना पर उनकी जो मांग है वो लगातार वो कर रहे हैं, और इस मसले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जाति आधारित जनगणना की मांग के दौरान जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि जगदानंद सिंह नाराज हैं क्या, तो इस मसले पर तेजस्वी यादव बगले झांकने लगे और आनंद फानंद में जल्दी जल्दी एक लाइन में जवाब देकर वो निकल लिए। दरअसल जगदानंद सिंह प्रकरण में लगा कि कहीं वो फंस न जाए। मामला भी है तेज प्रताप यादव का, उनके बड़े भाई का है, और तेज प्रताप के मामले में बोलना जैसे लगता है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि तेज प्रताप के बारे में वो बोलेंगे अगर तो बात फिर दूर तक जाएगी। और जो जगदानंद सिंह की नाराजगी के सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जातीय जनगणना पर बुलाई गई है, इस मसले पर नहीं बात करेंगे वो, इस तरह की बात करते हुए, और ये एक लाइन में कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। तो आखिर जब पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है तो जगदानंद सिंह क्यों नहीं आए, ये बड़ा सवाल है। अगर पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव सवालों से भाग क्यों रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और तेज प्रताप यादव ने जो कुछ किया, जिस तरह से वो सामने भी है, जिस तरह से उन्होंने हिटलर कहा जगदानंद सिंह को, इसके पहले भी वो कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं जगदानंद सिंह को, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जगदानंद सिंह को कहकर तेज प्रताप यादव इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह को ही नहीं कह रहे हैं, मीडिया को धमकी दे रहे हैं। गलती उन्होंने की, जगदा बाबू को उन्होंने उल्टा पुल्टा कहा, अब जगदानंद सिंह नाराज हैं और मीडिया ये खबरें चला रही है कि जगदानंद सिंह नाराज हैं, तो तेज प्रताप को ये भी नागवार गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप वाला जो प्रकरण है अब आरजेडी के लिए गले की फांस बन गया है, और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, और उनके पास भी इस मसले पर जवाब देते नहीं जुट रहा है। तो कौन देगा आखिरकार जवाब? तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से नाफरमानी की है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, जगदानंद सिंह की, एक बार नहीं कई बार हो चुका मामला, हर बार लालू यादव ने बीच बचाव करके मामले को सुलझा तो लिया, लेकिन इस बार शायद लगता है कि लालू प्रसाद यादव भी मामले को नहीं सुलझा पाए हैं। लालू प्रसाद यादव जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द पटना आ सकते हैं, लेकिन पटना वो अभी फिलहाल नहीं आए हैं, उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है, और इस बीच उनकी सक्रियता दिल्ली में जरूर बढ़ी है, लेकिन पटना में जो कुछ हो रहा है शायद आरजेडी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और सबसे ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए भारी मुश्किल का की बात हो रही है, क्योंकि आज जिस तरह से इस सवालों के जवाब में वो बेहद हड़बड़ी में पार्टी कार्यालय से निकल लिए, उन्होंने जवाब देना इस मसले पर जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जातीय जनगणना के लिए बुलाई गई है, न कि इस बाकी और मसलों पर, इस तरह की बात करते हुए वो निकल लिए। हालांकि एक लाइन जरूर उन्होंने कह दिया कि पार्टी में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन
नाराजगी तो साफ दिख रही है, पिछले दिनों की भी बात थोड़ा सा बता देगी क्या कुछ हुआ था। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद को हिटलर बताया था और कहा था कुर्सी किसी की पपौती नहीं है, तो ये जो चुनौती उन्होंने दी थी खड़े खड़े पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं चर्चा ये भी थी कि तेज प्रताप के बहाने, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह के बहाने तेजस्वी यादव को ही चुनौती देना है। आपको बताएं कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव के करीबी हैं, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के करीबी हैं, और तेजस्वी यादव को ही वो चुनौती दे रहे थे जगदानंद सिंह के जरिए। तो खैर, ये तमाम बातें जो आ रही हैं, उसके बाद एक पोस्टर प्रकरण भी सामने आया। पोस्टर प्रकरण में तेज प्रताप यादव के पोस्टर से तेजस्वी गायब थे, उसके बाद तेज प्रताप यादव के पोस्टर पर काली पोत दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो नौटंकी पूरी दिखी पिछले दिनों, और वो अंदर की कहानी बयां कर रही है कि आरजेडी के अंदर नॉट ऑल इज वेल, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जगदानंद सिंह भारी नाराज है इस बार, और इस बार शायद वो मानने के मूड में कहीं से भी नहीं है। बने रहिएगा सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।